खट्टे बैंगन। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मज़ेदार खट्टे बैंगन मैंने कैसे बनाए हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक देखें और जानें इसका राज। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं खट्टे बैंगन। तो खट्टे बैंगन कैसे बनेंगे मेरे साथ रहें, मेरी वीडियो को एंड तक देखें और मज़ेदार रेसिपी खट्टे बैंगन की जो कि मैं स्पेशल आपके लिए लेके आई हूँ देखें और कमेंट में बताएं ज़रूर कि आपको कैसे लगते हैं। इसके लिए जो ख़ास चीज़ होगी वो बैंगन और अचार, टमाटर, सब्ज मिर्च और प्याज। अब हम शुरू करते हैं बनाना। तो ये जो हमारे पास अचार है, अचार मेरे पास आमलों का था, मैं क्या करूँगी कि इसकी गुठलियाँ निकाल दूँगी और इसका जो गूदा सा है वो इस्तेमाल करूँगी इनमें। ठीक है, हम इसको अलग से करके फिर बाकी का बताती हूँ। अगर तो आप स्पाइस कम लेते हैं तो फिर तो अचार है अब आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप स्पाइस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप उसमें थोड़ी मिर्च, नमक और मसाले का जो है मज़ीद इजाफ़ा कर सकते हैं। करके आपके पास मैंगो का अचार है, आपके पास जो भी अचार अवेलेबल है उसको आपने लेना है और उसको आपने इस तरह से चटनी सी बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बैंगन आप लेंगे तो बैंगन के आप कट लगा लेंगे ऐसे 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 और ऐसे। ये कट जो आपने लगाए हैं आपने मसाला जो है वो इनके अंदर डालना है ऐसे। इस तरह से सारे बैंगन जो है सब में आपने मसाला जो है वो ऐसे ही डाल लेना है। ठीक है, चलो। और फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने बैंगन को कट लगा लिए। इस तरह से आप ऐसे भी कट लगा सकते हैं, थोड़ा करीब करो तो आप इसमें जो है वो ये जो अचार का मसाला आपने बनाया हुआ वो इसके अंदर अच्छी तरह से सारे कट्स में खट्टे बैंगन इनमें अच्छी तरह से आप उधर देखना उधर अचार का मसाला जो है वो आप इसमें लगा लेंगे सारे बैंगन में। मैंने सारे बैंगन को ये मैंने अचार का मसाला लगा लिया। मामा ज़्यादा हिलाओ ना वरना मैं बेलूँगा। इस तरह से भी देखें, अब इसी तरह से हम मैंने इसमें पानी रखा था। ठीक है, पानी बॉयल हो गया और साथ में ये मैंने स्टैंड रखा हुआ इसी तरह जो बैंगन मैंने मसाला लगाया था ये इसके ऊपर रख रही हूँ। इस तरह से इनको हम स्टीम के साथ थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ये इनको थोड़ा टाइम गुजर चुका है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। अभी हम साथ में ये मसाला बना रहे हैं स्टीम के बाद जो हमने इसमें करना है। बैंगनों के लिए ठीक है, इस तरह से आपने ग्रेवी जो है वो तैयार कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ बैंगन का क्या हाल है। ठीक है, ये देखें ये हमारे बैंगन जो कि स्टीम है। ठीक है, स्टीम हो के ये ऐसे हो जाएंगे।
हम इनको उठाएंगे और हम इनको जो है वो उस मसाले में थोड़ा फ्राई करेंगे। 20 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई किया, स्टीम पे। बंद करो कैमरा। तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए मैंने इनको स्टीम पे किया था, ठीक है। और अब हम इसको, ये जो मसाला है, इसमें थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और ये हमारे खट्टे बैंगन जो हैं वो तैयार हो गए हैं इस तरह से। अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको ढाँप देते हैं। फ्रेंड्स, खट्टे बैंगन बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बताना मत भूलिए, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।